नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 मई गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान सरकार गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए अधिसूचना जारी की है। कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाया तो 200 रुपए जुर्माना, कोई दुकानदार ने बिना मास्क पहनने व्यक्ति को सामान बेचा तो 500 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रुपए जुर्माना, पान गुटखा व तंबाकू उत्पाद बेचने पर 1000 रुपए जुर्माना व सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। अलवर जिले के भिवाड़ी में भूख से बिलखते श्रमिकों ने रोड जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी के कहरानी उद्योग इलाके सृष्टि अलॉय प्राइवेट लिमिटेड उद्योग इकाई में काम करने वाले श्रमिकों को जनवरी माह से अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 200 श्रमिक भूख से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने श्रमिकों को तितर बितर किया। कस्बों में लॉकडाउन की पालना कराने के लिए करीब 10 लाख घरों में राशन पहुंचा चुके सहकारी उपभोक्ता भंडार के 1000 क्रामिक अब दूर दराज के गांवों तक राशन पहुंचाएंगे। सहकारी विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि सहकारी संस्थाओं के क्रामिकों की संयुक्त टीम रूट मैप के अनुसार खाद्य सामग्री का घर घर वितरण करेगी। प्रदेश के 34 उपभोक्ता भंडार एवं जयपुर के कॉनफेड लोगों को उचित दाम पर यह सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। चूरू जिले के सरदार शहर कस्बे में मानवता शर्मसार हो गई। जानकारी के अनुसार गांव मेहरी में नवजात बच्चे का शव मिला है। इस नवजात के शव को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला। ग्रामीणों की सूचना पर भालेरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया। प्रदेश के चक्रवाती तंत्र के कारण बने ऊपरी परिसंचरण तंत्र के असर से आज भी धूल भरी हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में अगले 24 घंटे में अंधड़ बारिश का दौर चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और सवाईमाधोपुर में अलर्ट जारी किया है। कोरोना के फेर में अटकी परीक्षाओं को अब पटरी पर लाने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जुट गए हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों की ओर से अब सभी केंद्राधीक्षकों से सोशल डिस्टेंस के आधार पर परीक्षा कराने के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश भर के वीवी की ओर से जून में शेष परीक्षाएं कराई जाएंगी। सभी केंद्रों पर विद्यार्थियों के लिए सैनिटाइजर का इंतजाम किया जाएगा। मास्क लगाने सहित अन्य अनिवार्यताएं भी रहेंगी। 12 जिले के बिजली घरों में उत्पादन शुरू होने के बाद कोटा थर्मल की 5 इकाइयों में विद्युत उत्पादन बंद करवा दिया। कोटा थर्मल में फिलहाल 2 यूनिट चल रही है। पहले मौसम के चलते और फिर लॉकडाउन शुरू होने के कारण बिजली की मांग कम होने से रिकॉर्ड 59 दिनों में बंदी के बाद 5 मई को जैसे तैसे कोटा थर्मल में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। जयपुर में अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की DST टीम लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की DST टीम और सांगानेर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सांगानेर इलाके में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी रेखा शर्मा निवासी बांदीकुई दौसा को गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से 14 ग्राम 92 मिलीग्राम स्मैक बरामद की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ के राजीव भूषण बंसल ने जनहित याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने कहा है कि फीस जमा नहीं कराने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाए। प्रदेश भर में COVID-19 के दौरान लॉकडाउन व आमजन के आर्थिक संकट के दौर से गुजरने के कारण निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों से 3 महीने की फीस नहीं लेने के संबंध में हाईकोर्ट में 8 अप्रैल को PIL दायर की गई थी। नागौर जिले के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन व जंक्शन मेड़ता रोड पर जयपुर से कंटेनर लेकर पहुंची मालगाड़ी के 2 डिब्बे मेड़ता रोड यार्ड में पटरी से उतर गए। रेलवे सूत्रों के अनुसार मालगाड़ी ने जैसे तैसे मेड़ता रोड रेलवे यार्ड में प्रवेश किया, तभी पीछे से गार्ड के डिब्बे से 4 डिब्बों पहले 2 कोचों के पहिए पटरी से नीचे उतर गए और सीमेंटेड स्लीपर के ऊपर करीबन 20 फीट तक चलते रहे। तेज आवाज सुनकर गार्ड ने ट्रेन को रुकवा दिया। जोधपुर से क्रेन मंगवाई गई और डिब्बों को पटरी पर चढ़ाने का कार्य शुरू किया गया।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.